हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और 6 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी इंग्लिश में 95% मार्क ला सकते हो। ये आप लोगों का एक वायरल मॉडल पेपर है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी बोर्ड एग्जाम का, और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है पेपर में, और 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। एंड आप लोगों के इंग्लिश में कुल 15 क्वेश्चंस होंगे, क्लास 10 इंग्लिश में कुल 15 क्वेश्चंस होंगे, और 15 क्वेश्चंस आपके 70 मार्क्स के होंगे, यानी कि इस 15 क्वेश्चंस से आपको 70 मार्क्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर देने से पहले आपको जरूर देखना है, आपका पेपर 6 अप्रैल को है। अगर आप 5 अप्रैल को आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। ऐसा ही मैंने आप लोगों को हिंदी का पेपर बताया था, तो हिंदी में 80% क्वेश्चन आप लोगों का इसी मॉडल पेपर से आया था, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्या आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे तैयार करना है, कैसे आप लोगों को पूरा इंग्लिश की तैयारी करना है, ठीक है, और कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर, अभी मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 इंग्लिश के लिए, अगर आप 6 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर देने वाले हो। तो ये आप लोग मॉडल पेपर देखो, ये आपका मॉडल पेपर है आप लोगों का और इंग्लिश का क्लास 10th का 2021-22 के लिए, ठीक है, आपका 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है आपका जो 70 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा, और यहां आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, कुछ जनरल आपके इंट्रोडक्शन हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो इंट्रोडक्शन, ये आप लोगों का पहला दूसरा तीसरा, इसको आप पढ़ लेना। एंड आप लोग यहां देखो रीडिंग, आपका सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन ध्यान से समझना, रीडिंग सेक्शन है। और मैं आप लोगों को जैसे ग्रामर है उसकी अच्छे से तैयारी करूंगा, सारी चीजें इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है, ठीक है। यहां देखो पहला आप लोगों से पूछेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पूरा पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है, जैसे यहां से आपको ये पैसेज यहां से स्टार्ट है और यहां तक है, पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके ही इंग्लिश का ये जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ डॉल्फिन्स आर रिग्रेटेड एज द फ्रेंडलीस्ट एंड क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रॉइंग एंड सेलर्स हैव बीन आपका कॉमन सिंस रोमन टाइम्स, ठीक है। इसको आपको पहले केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है। फिर आप जब से अच्छे से पढ़ोगे इसका थोड़ा सा हिंदी मींस निकालोगे, तो आपको यहां देखो कितने क्वेश्चंस हैं ए बी सी डी, यानी कि आपसे 4 क्वेश्चंस पूछेगा, 4 क्वेश्चन, और आपका पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एंड चौथा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का, यानी कि कुल मिला के आपका 10 मार्क्स का आएगा ये पैसेज, जिसे हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बिल्कुल सॉल्व करके ही पेपर में जाना, और अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये मॉडल पेपर आपको पूरा देखना है, पूरा जितना मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चंस को तुरंत रिवाइज करना स्टार्ट कर देना, याद करना स्टार्ट कर देना। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन बी देखो, यहां आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेक्शन बी में कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना है, तो एक लेटर लिखना है, 4 मार्क्स का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे लिखें, देखो लेटर लिखना एप्लीकेशन लिखना ये दोनों मैंने आपको बताया है विथ ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अगर आप हमारा वीडियो देखोगे तो लेटर कैसे लिखें भाई सरवन लेक्चर आप सर्च कर लो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता तो देखो कितना आसान आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर आपका इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 4 मार्क्स का आएगा। मतलब अगर आपको लेटर नहीं आता तो आप लोग एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन नहीं आता तो लेटर लिखो, कितना अच्छा है, 4 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा और काफी आसान होता है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा लेटर का, एक वीडियो एप्लीकेशन का, उसी से आपका पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी इंग्लिश की तैयारी जबरदस्त होने वाली है। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरा इंग्लिश आप लोग कहोगे सर पूरा, आपको पेपर पेपर में पूरा नंबर करके आओगे, ठीक है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे इंग्लिश में, पूरा धमाका होगा। तो ये आप लोग सेक्शन बी में, हमें लेटर और एप्लीकेशन में कोई एक करना है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, 6 मार्क्स का है। मतलब आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। देखो आपका एक होता है रिपोर्ट राइटिंग, एक होता है आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों का मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग जिंदगी भर याद रहेगा, तुरंत आप बोर्ड एग्जाम लिख कराओगे। आपको 60 से 80 वर्ड्स लिखना है, अगर जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उससे आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। देखो यहां आपके मतलब कुछ हेडिंग्स दिए हुए हैं, जैसे आपके स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग, आपका केयरमी एंड आपका कल्चरल एंड प्रोग्राम्स एंड स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मिठाइयों का बंटवारा। तो ये आप लोग, अथवा आपको ये नहीं आता
तो आप लोग ये कर लो, मतलब जितना इसमें है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल तैयार ही कर लेना अभी इसी वक्त, आप लोग तैयार करना स्टार्ट कर दो। जो हार्ड है उसको कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा तुरंत, मतलब पूरी इंग्लिश में इतने अच्छे से तैयारी होगी कि आप लोग इंग्लिश में टॉप पर बन जाओगे। लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करो कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, पूरा इंग्लिश आप लोग अच्छे से करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। केवल आप लोग कमेंट करो सर हमें इंग्लिश की वीडियो चाहिए। अब आप लोग राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स, ठीक है। आपको मॉर्निंग वॉक पर एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन लिख दो मॉर्निंग वॉक का, फ्रेश एयर लिख दो, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर आपका स्टडीज एंड कंक्लूशन। तो मतलब इस पर अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको 6 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। मतलब अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग आता है तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आता है तो आप आर्टिकल राइटिंग लिखो, जो आपको अच्छे से आता है उन्हीं के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी में क्या है ये समझो। सेक्शन सी में आपको सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, एक एक नंबर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इन सब में आपका पार्ट ऑफ स्पीच भी आता है, कुछ आपके मतलब वर्ब भी आते हैं, कुछ आपके प्रीपोजिशन भी आते हैं, नाउन भी आते हैं, मतलब सारी चीजें इसमें होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। पहला लिखा हुआ द ओल्ड मैन केम टू मी एंड आपको यहां आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है। यहां आपका द है या फिर केम है या फिर मैन है या फिर ओल्ड है, तो यहां ओल्ड जो है वो होगा, ठीक है। अगला देखो यहां ही इज ये हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है। यहां आपका वर्किंग है या फिर आपका हार्ड है या फिर इज है या फिर मैन है। मैं आपको बता दूं इसके सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, मतलब इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, आप लोगों के लिए पूरा इसका जो मॉडल पेपर है ना, ये इंग्लिश के पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो आएगा। पहले आप इस मॉडल पेपर को समझ लो, आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा, ये आपका मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग पूरा मॉडल पेपर पहले समझ लो और इसका सॉल्यूशन का वीडियो आएगा, वहां से आपका पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो आप लोग चिंता मत करो, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको समझो और जितना आप कर पाते हो उतना खुद से करो, ठीक है। और जो नहीं आता वो आप लोग छोड़ दो, उसका मैं सॉल्यूशन का वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अगला देखो यहां द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, यहां आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, स्ट्रेंग एंड स्ट्रॉन्गली एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। या फिर अगला देखो ही इज वरीड आपका डैश द एग्जामिनेशन इन या फिर ऑन या फिर अबाउट या फिर ऑफ, ये आपका प्रीपोजिशन भरना है। तो आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं, यहां से 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अभी हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है। यहां आप लोग देखो I will not go with you. Change the past perfect tense. मतलब यहाँ टेंस भी आता है। अब टेंस तो आप लोग क्लास 8 से भी पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 से। यहाँ देखो आप ए ऑप्शन है I did not go with you. I had not gone with you. I do not go with you. I have not gone with you. अब आप लोग इतना तो जानते ही हो। अब आपको परफेक्ट में चेंज करना है। अब आप लोग ये पता होगा कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इतना तो पता ही होगा। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। तो मतलब यहां से आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स के। अब आप लोग इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा सॉल्व करने का कोशिश करना, जितना मैं आपको बता रहा हूं इसको आप लोग ऐसे अच्छे से, जितना मैं आपको बता रहा हूं इन सबको सॉल्व जरूर कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 6 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, 6 अप्रैल को जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, ठीक है। यहां 5वां है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, 5 नंबर का। पहले आपको हरी सैड टू मी एंड व्हाई डिड यू डू इट, या आपका चेंज इन टू इनडायरेक्ट 1 मार्क्स का। आपको चेंज इन टू इनडायरेक्ट पहले 2 मार्क्स का आता था, लेकिन अब की बार यह 4 चेंज कर दिया गया है, 1 मार्क्स का केवल रहेगा। दूसरा है हु इज राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस 1 मार्क्स का, ठीक है। एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे 1-1 मार्क्स हैं। पंचुएशन है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर और आपका व्हेयर एवर नेसेसरी। सिखा सैड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो इसको आपको पंचुएट करना है, बस आपको यहां से 1 मार्क्स मिल जाएगा। आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस भी इसमें है, फ्रेम ये करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। यहां लिखा है वाज ग्रेट पैलेस एंड दिस किंग ये ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, ये भी आपका 1 मार्क्स का। अब 1 मार्क्स का आपका ये भी आता है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहां आपका 1 मार्क्स का है। मतलब 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, तो यहां से आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और यहां आप लोग देखो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। देखो इसमें आपका जो टेंस होता है ना,
टेंस बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो फिर आप इसे चुटकियों में कर सकते हो 5 मार्क्स का, ठीक है। जैसा लिखा है प्राकृत एक जीवित शक्ति है, ये आपका सिंपल इज है, ठीक है, इज आर्यम। एंड यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। एंड प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। ये 5 मार्क्स का आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आएगा, और अगर आपने इसको नहीं करके आया तो फिर आपका बहुत ज्यादा नंबर कम हो जाएगा। तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं ट्रिक के साथ, मतलब ट्रिक के साथ लाऊंगा, जो भी लाऊंगा ट्रिक के साथ। इंग्लिश में मैं कहा हूं ना कि धमाका हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में हमसे पूरा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा पढ़ लोगे तो, ठीक है। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। विथ ट्रिक के साथ आप ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 1 से आप 50 ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अगला देखो, आपका सेक्शन डी लिटरेचर है, जैसे आपके प्रोज के हैं, प्रोज के, पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, इन सारे का अलग अलग वीडियो आएगा, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, और पूरा आपका खत्म हो जाएगा एक एक वीडियो में। भले ही वीडियो हमारा बड़ा क्यों ना हो जाए, भले ही कितना दिन रात मेहनत करना पड़े, लेकिन आप लोगों का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री 3 वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा। ग्रामर का 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा तैयारी लगातार कराई जाएगी पूरा आपका इंग्लिश का। ये आप लोग देखो, यहां से आप लोगों का रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। विथ ये सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिट फ्लावर्स ड्रॉपेड इन द सर्टेन ऑफ रेन। मतलब ये आपका है लंचू वाला रिलेटेड टू गॉड चैप्टर से, इतना तो आपको पता ही होगा, ये आपका पैसेज है। अभी हमारा आगे और पैसेज है इसका, यहां तक आपका पैसेज रहेगा, ठीक है, यहां तक फॉरेन फील्ड्स तक, और यहां आपके 2 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। पहला, What did vegan to fall along with the rain? और दूसरा है कि why did the boy go out? ठीक है, go out मतलब बाहर गए। तो ये आप 2 क्वेश्चन कर लोगे, 4 मार्क्स का पक्का हो जाएगा। पैसेज सॉल्व करना है। अगर आप इसका थोड़ा सा हिंदी मीन्स जानते हो तो ये पैसेज आप चुटकियों में कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन देखो, आंसर आपको वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स में, आपको 4 नंबर मिलेगा, 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये क्या है, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो पहला, How did Mandela hunger for freedom change his life? या फिर give the character sketch of any prank? देखो आपको एक क्वेश्चन और याद कर लेना है, give the character sketch of Lanchu, इसको भी तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखना, ठीक है। और इन सबको भी तैयार कर लेना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो तैयार कर लेना जो मेन है। अब 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं शॉर्ट में, 25 वर्ड्स में। जैसे लिखा हुआ है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। पहला, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट पैलेस ऑफ कुर्ग। एंड दूसरा आपका क्वेश्चन है, Where were the monthly accounts of the vakers आपका recorded? And तीसरा क्वेश्चन है, Why did Valli want, ठीक है, to ride on the bus? तो इन 3 में से बच्चावाटी 2 ही करना है, 2 करोगे आपका 4 मार्क्स मिल जाएगा। मैचिंग द वर्ड्स आपका 3 मार्क्स का आता है, देख सकते हो, मैचिंग द वर्ड्स आपको इसको मैच कराना है। अब आप लोग मैचिंग द वर्ड्स देखो हर एक चैप्टर से आते हैं, मतलब हर एक चैप्टर में है, तो थोड़ा सा आप लोग मैचिंग द वर्ड्स में मेहनत कर लेना, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई वैसा ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। अगला देखो, ये आप लोगों का पोएट्री स्टार्ट हो गया, यहां से आप लोगों का पोएट्री हो गया, ये आपका स्टेंजा है। The way a crow shook on me, the dust of snow from a hemlock tree. कितना बार पढ़ाया है बता दो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था ना, तो यह मॉडल पेपर में आ गया, तो समझो पेपर में आएगा, ठीक है। यहां आप लोग पहला है, where was the poet standing? दूसरा है, point out the rhyming words in the stanza. तो स्नो क्रो, ये मतलब ये एक प्रकार से राइमिंग वर्ड्स है। अगला, Write the central idea of one of the following poem. 4 मार्क्स का आएगा, A tiger in the zoo and the trees. अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर देना यार, Write 4 lines from the one of the poem given in your textbook. Do not copy out the line given in question paper. मतलब इसको कॉपी नहीं करना जो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपको खुद से याद जो हो उसको लिखना है, अदर जो आपका इस प्रश्न पत्र में ना हो उसको नहीं लिखना है, ठीक है, इसमें ना हो वो लिखना है। अब आप लोगों का सप्लीमेंट्री स्टार्ट हो गया, सप्लीमेंट्री देखो कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स। पहला आप लोग देखो, ऐसे 3 क्वेश्चन में से 2 करना होता है। व्हाई इज आपका मिसेज पंपरी वेरीड एंड अबाउट ट्रिकी, ठीक है। दूसरा है, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर आप लोगों का मार्टिल्डा एंड एंड हैप्पीनेस। एंड तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज एंड अबाउट द आपका फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल, ठीक है। तो आपको ये बच्चा पार्टी करना है सप्लीमेंट्री में, आप लोगों का 4 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आप लोगों को एक क्वेश्चन लॉन्ग में दिया जाएगा, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन। देखो पहले गिव द कैरेक्टर इसके साथ होली, इसको भी तैयार कर लेना, मतलब इसको बिल्कुल तैयार ही कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का ओके, तो ये आप लोग तैयार कर लेना ओके। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब दो में से कोई एक करना रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, यहां आप लोगों का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है कि हाउ डिड इवराइट एंड डिस्कवर एंड एनुएन इंसेक्ट हार्मोन, ठीक है। ये आप लोगों का करना है। अब आप लोगों के दो मार्क्स हैं यहां से ट्रू फॉल्स के। पहला, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला आप लोगों का है। दूसरा, इन दोनों में से आप लोगों को अगर जो सही हो जो गलत हो वो आप लोग लगा देना, आप लोगों को मिल जाएगा तुरंत दो मार्क्स। इसका भी वीडियो आएगा तुरंत, मतलब पूरा इंग्लिश की तैयारी कराने वाला हूं। अभी आपके पास समय है तो आप लोग इंग्लिश की तैयारी के लिए जुट जाना, जब मैं आप लोगों के लिए तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगा पूरा, आप लोगों का दो दिन में पूरा इंग्लिश खत्म करा दूंगा यार। सिलेक्ट द मोस्ट सब्स्टिट्यूशन एंड अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो मार्क्स का है। यहां आप लोग दो स्टेटमेंट्स फुल करो, आप लोगों को दो मार्क्स मिल जाएगा। तो यह है पूरा इंग्लिश का मॉडल पेपर, यह है पूरा इंग्लिश का मॉडल पेपर। और 6 अप्रैल को पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसका सोल्यूशन बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन का वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द ही। इसीलिए मैंने कहा है कि पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर इसका सोल्यूशन का भी वीडियो कंप्लीट कर लेना, और फिर आपसे बड़ा मतलब जानकार कोई नहीं रहेगा। और जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसको आप अच्छे से पढ़ना, हर एक चीज आप पढ़ लेना। प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री ग्रामर सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ट्रू फॉल्स अनसीन पैसेज लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग सारी की वीडियो आएगी। तो आप लोग तैयार रहना पढ़ने के लिए, बस हम पढ़ाने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।